आई होप आप लोगों ने जो आज की फेसबुक पर क्विज थी वो कर ली होगी। हम लोगों ने आज एक फेसबुक पर ये क्विज पोस्ट की थी, कुल मिला के 11 क्वेश्चन थे इसके अंदर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग उसके आंसर करके रखोगे ताकि हम लोग अब आकर के इसको डिस्कस कर सकें कि आंसर क्या है और क्यों है। ये असल में सिस्टमिक्स और फाइलोजेनेटिक्स के ऊपर की स्टोरी थी, जहाँ पे कुल मिला के 11 क्वेश्चन थे जो हमें करने थे। और क्वेश्चन नंबर 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म। इन क्विज में खास बात ये थी कि मल्टीपल ऑप्शंस भी कई में अवेलेबल थे, हालांकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए है रोजा रगोसा, जो कि इस फ्लावर का नाम है। अकेला तो काम नहीं करेगा, आप जानते हो कि जो बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर है वहाँ पर दो नाम चाहिए होते हैं, एक जीनस का और एक स्पेशीज का। तो जीनस और स्पेशीज दोनों जगह अवेलेबल हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जिसमें जीनस का नाम कैपिटल होता है और जो आपकी स्पेशीज होती है उसका नाम स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये दोनों के दोनों नाम ठीक हैं, ये मेंढक का था, इंटरेस्टिंगली दोनों रगोसा ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई ये था जो करेक्ट है। और आप जानते हो कार्लोस लिनियस साहब को, जिन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिसकी वजह से हम लोग सभी प्लांट्स वगैरह को क्लासिफाई करते हैं जीनस और स्पीशीज के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिस्टमैटिक्स। अब जो ये सिस्टमैटिक्स होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में हम लोग स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। हम इसमें टैक्सोनॉमी भी इंक्लूड करेंगे और क्लासिफिकेशन भी, तभी तो हम लोग रिलेशन बना पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम प्राइमेट हैं, तो जो फीचर्स हैं ये इवोल्यूशन को भी डिफाइन कर रही हैं और रिलेशन को भी, और इसीलिए हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज भी डेवलप करते हैं। कई बार हमारे सामने ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो हम लोग फॉसिल्स, मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर डाटा, हम सभी तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई है जो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, द क्लासिफिकेशन कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली। भाई किंगडम, इससे भी ऊपर डोमेन आता है, इसके नीचे है फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैमिली के बाद क्या आने वाला है, तो उसके बाद आने वाला है जीनस। आंसर डी है। अब यहां कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो आप कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि जीनस भी नीचे है और स्पीशीज भी नीचे है, बट जब तक आपसे कहा ना जाए अदरवाइज आप एक ही आंसर पिक करोगे। तो फैमिली के जस्ट नीचे जो है वो जीनस है, इसलिए आप उसको लेके जाओगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डोमेन्स, चूज मोर देन वन आंसर इफ करेक्ट। भाई पहले जो था वो फाइव किंगडम सिस्टम था, लेकिन फिर बाद में चल करके इसे थ्री डोमेन सिस्टम में बांटा गया, जिनमें बैक्टीरिया को सबको एक साथ कर दिया गया, फिर एक आर्किया का और यूकैरियोट्स का अलग। हम ये कहते हैं कि शुरुआत में कभी जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी तो एक कॉमन एंसेस्टर था, बहुत पुराना कोई, फिर उससे बैक्टीरिया अलग हुए और एक दूसरा एंसेस्टर अलग हुआ, बाद में इससे चल करके आर्किया बैक्टीरिया अलग हो गए और उससे यूकैरियोट्स अलग। तो आज हम थ्री डोमेन सिस्टम जिसे कहते हैं उसमें आर्किया बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। तो ऑप्शन नंबर ए एक डोमेन है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा डोमेन है, और ऑप्शन नंबर सी तीसरा डोमेन। और यहाँ भी दे रखा है कि चूज मोर देन वन आंसर इफ करेक्ट, तो ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों आंसर है। एनिमल्स और प्लांट्स किंगडम वाले सिस्टम में ठीक था, लेकिन डोमेन्स में काउंट नहीं होते, यूकैरियोट्स के अंदर ही काउंट होते हैं एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सब जाएंगे आपके बैक्टीरिया में, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है लेकिन एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रहते हैं ये जाएंगे आर्किया बैक्टीरिया के अंदर, और डोमेन यूकैरियोट्स में आ जाएंगे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। यही थ्री डोमेन सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से भी यूकैरियोट्स के अंदर कुछ चीजें आई हुई हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया, चूज मोर देन वन आंसर इफ करेक्ट। अगर अब प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की बात करो तो देखो न्यूक्लियस जो होता है वो केवल और केवल यूकैरियोट्स में, तो ये पॉइंट तो बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया में कॉमन होने से रहा। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, हाँ जी, अगर आप न्यूक्लियर एनवेलप को देखो यहाँ पर तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, दोनों में यूकैरियोट्स में होता है, तो ये पॉइंट ठीक है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स तो हमेशा सब में होंगे, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की मशीन है, इसके बिना प्रोटीन कैसे बनेंगे, तो ये भी ठीक है। ऑब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नो नो
हाँ यू केरेट में यस होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल, अब सेल वॉल की बात कर लो जी, तो सेल वॉल यस पेप्टिडोग्लाइकन के साथ यस, लेकिन ये पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती, सूर्यमरीन होती है, और यूकैरियोट्स में कुछ में हाँ कुछ में ना, तो ये पॉइंट भी ठीक था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी और ई, जब आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्ट करते हो तो आपने देखा कि आपका हाथ कितना रुकता है कि इतने सारे आंसर नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ नॉलेज बड़ी मैटर करती है कि आपको नॉलेज कितनी अच्छी है। अगर नॉलेज अच्छी होगी तो फिर आप सही सही हर ऑप्शन को ट्रू फॉल्स करके लेके चल सकते हो, फिर मन में डर नहीं आते। इस टेबल को देख लेना, बाकी बची हुई बातें भी देखनी चाहिए आपको, क्या पता कब सामने आ जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। तो भाई फंजाई प्रोकैरियोटिक सेल तो नहीं होती, यही मिसमैच था इसका। फंजाई यूकैरियोट्स में आता है, प्लांट्स में न्यूक्लियस मिलते हैं सेल्स के अंदर, प्लांट्स में फ्लावर और मॉसेस के एग्जांपल्स हैं, एनिमल्स आर्थ्रोपॉड्स और ह्यूमंस प्रोटिस्ट सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ये सारी बातें मोरलेस सही हैं। प्रोटिस्ट के अंदर प्रोटोजोवास आते हैं जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, और प्लांट्स में आपने मॉसेस वगैरह तो देखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, अगेन एक और मिसमैच है। तो यहाँ पे फंजाई के बारे में बात कर रखा है कि वो हाइट्रोट्रॉपिक बाय अब्जॉर्प्शन, फंजाई को तो आप जानते हो ना कि वो अपने बॉडी से बाहर एंजाइम छोड़ती है, सेल से बाहर एंजाइम सिक्रेट कर देगी, एनवायरमेंट में जो खाना पड़ा हुआ है उसको डाइजेस्ट करेगी, फिर अब्जॉर्ब कर लेगी। प्लांट्स आमतौर पर फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। एनिमल्स ये रेयरली इंजेस्टिव होती, ये गड़बड़ है ना, हम तो हमेशा खाने को इंजेस्ट करते हैं भाई, तो इसलिए ये मिसमैच था। प्रोटिस्ट वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग प्रोटिस्ट अलग अलग तरह के बिहेवियर दिखाते हैं खाने के मामले में, तो आप कह रहे हो सी और डी मिसमैच होगा, ये पॉइंट भी गलत है। तो आंसर जो है मेरा वो है मिसमैच के रूप में आंसर नंबर सी, जो कि एग्जैक्टली मिसमैच है। अब ये टेबल है जो आपको ध्यान देना है, ये कैटेस्टिक ऑफ फाइव किंगडम से रखा है। देखिए मोनरा जो है इसको आप बैक्टीरिया में मानोगे, अब इसे प्रोकैरियोट्स के जो दोनों हैं आर्की बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया इसी के अंदर आते हैं, इसलिए मोनरा की बात नहीं करते आजकल हम लोग। और बाकी जो प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमल्स हैं ये सब आपके यूकैरियोट्स आएंगे, क्योंकि ये सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और यहाँ पर हर एक का मोड ऑफ डाइजेशन या फिर अब्जॉर्प्शन, खाना कैसे बनाते हैं वो भी दे रखा है, और सेल की फॉर्म्स भी, कौन सिंगल फॉर्म है, कौन मल्टी सेल फॉर्म है, या फिर सेल वॉल में क्या क्या अवेलेबल है, ये देखने के लिए टेबल बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट शुड बी कंसिडर्ड अ ड्राइव ट्रेट इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब हम और हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्ट्रल ट्रेट हम उन्हें कहते हैं जो सभी कॉमन एंसेस्टर्स में कॉमन हो, और क्योंकि ये सब में कॉमन है तो कोई ये यूजफुल इवोल्यूशन रिलेशन बताने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि डियर कैटल मंकीज एंड एप्स, सभी के सभी एग्जांपल मैमल के हैं और सबके पास कॉमन एंसेस्टर ट्रेट है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स। तो किसी के पास मेमोरी ग्लैंड्स है, मुझे उसके इवोल्यूशन के बारे में खास जानकारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये कॉमन एंसेस्ट्रल ट्रेट है। फिर आते हैं ड्राइव ट्रेट्स, दोज आर नॉट फाउंड इन द कॉमन एंसेस्टर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। भाई जैसे मान लीजिए हम अपनी बात कर लें, हम ह्यूमंस और कैटल्स, हम दोनों के दोनों जो हैं तो हम मैमल्स ही ना, लेकिन फिर कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो हम में हैं लेकिन कैटल्स में नहीं है, तो मतलब बीच में कहीं ऐसे ट्रेट डेवलप हुए हमारे पास हैं जो कैटल के पास नहीं है। जैसे कि उसका हमारी पूंछ गायब हो जाना, जो कि कैटल के पास है, या फिर हमारे सींग गायब हो जाना, ये सब ट्रेट्स ऐसे हैं जो वक्त के साथ ड्राइव्ड हुए हैं। और ऐसे ट्रेट्स इवोल्यूशन में काफी काम के होते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि इवोल्यूशन रिलेशंस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अपोजेबल थंब प्राइमेट्स के अंदर, प्राइमेट्स में जो एबिलिटी है कि ये लकड़ी को पकड़ सकते हैं अपने हाथ में, पेड़ों को जकड़ सकते हैं अंगूठे को मुड़ करके, ये एबिलिटी एक ड्राइव ट्रेट का एग्जाम्पल है। और ऐसे ही कैटल्स के अंदर भी कुछ ट्रेट देखने को मिलते हैं, और ये दोनों ही डाटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगेन ये क्विज का स्कोप नहीं है, तो आपको यहां स्लाइड को रोक करके ये पार्ट पढ़ने चाहिए और समझना चाहिए इन चीजों को, क्योंकि एग्जाम में इन चीजों के ऊपर कभी ना कभी किसी और एंगल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसर्निंग अ फाइलोजेनेटिक ट्री विच इज इनकरेक्ट। पहला, डेट ऑफ डाइवर्जेंस आर ऑलवेज गिवन। यार
जब कभी डायनासोर से बर्ड्स निकल के आई होंगी तो क्या बर्ड्स पैदा होते ही हमें डेट बता चुकी थी अपनी कि किस दिन हमने पंख निकाले? अगर हमारे पास प्रॉपर मॉलिकुलर डाटा है तो हम लोग डेट दे पाते हैं। डेट का मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रिसाइसली 4 सितंबर 4 मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा हम लोग डेट नहीं दे पाते। हम रफ दे पाते हैं कि भाई 250 मिलियन साल पहले या फिर 25,000 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन वो भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जहाँ डाटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हम लोग नहीं दे सकते। इसलिए ये ऑलवेज वर्ड की वजह से जो पहली वाली लाइन है गलत है। फाइलोजेनेटिक ट्रेज में हमेशा हम लोग टाइम नहीं दे सकते, डेट। दूसरा है कॉमन एंसेस्टर गिव राइज टू डिसेंडेंट। हाँ जी, एक कॉमन एंसेस्टर से सभी तरह के डिसेंडेंट्स बन रहे हैं, ये हम ट्री में दिखाते हैं। ट्री का बेसिक ही होता है द मोर रिसेंट इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज ऑन द टॉप, नो डाउट। ये है जो सबसे ज्यादा अर्ली इवॉल्व है, जो इस टाइम अवेलेबल है। एंसेस्टर्स हैव प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक भी एंसेस्टर्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। हम लोग इन सब बातों को जरूर दिखाते हैं कि भाई कौन से कैरेक्टर या ट्रेट्स ऐसे हैं जो कैरी ऑन चले आ रहे हैं और कौन से ट्रेट ऐसे हैं जो बाद में इवॉल्व हैं। तो उसमें बी सी एंड डी ये ठीक है, इनकरेक्ट था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है विच पेयर इज मिसमैच्ड। होमोलॉजी, कैटक सिमिलर ड्यू टू द कॉमन एंसेस्ट्री। अब जैसे जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए थे, कुछ कॉमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो बाद में मॉडिफाई होते गए, जैसे कि ह्यूमन, कैट, वेल और बैट, इन सब का हार्ट फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा डिफरेंट हो, बट हड्डियों के कलर्स ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन के। होमोलॉजी, ये पॉइंट ठीक है। मॉलिकुलर डाटा का मतलब है आप डीएनए के स्ट्रैंड की सीक्वेंसेस मैच कर रहे हो, ट्रू है। फॉसिल रिकॉर्ड्स में आप बोन और टीथ ही देखते हो, क्योंकि और बाकी जो हड्डियां होती हैं ये जनरली डिग्रेड हो चुकी होती हैं, बोन्स और टीथ स्लोली डिग्रेड करती हैं, ये भी ठीक है। होमोलॉजी फंक्शंस ऑलवेज डिफरेंट, भाई हमारा हाथ और बैट का हाथ फंक्शन डिफरेंट है दोनों का, बट ये गारंटी नहीं है कि हमेशा फंक्शन डिफरेंट ही होगा। अब प्राइमेट्स को ले लो, सबके जो हाथ हैं वो हैंड की तरह काम करते हैं, वॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने सारे कैटल्स ऐसे होंगे जो वो सेम तरह के स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन फिर भी वो चलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो होमोलॉग्स, तो ऑलवेज डिफरेंट नहीं होने की कहानी, जनरली डिफरेंस देखने को मिल जाता है बट ऑलवेज नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट है मिसमैच। मॉलिकुलर डाटा जो है वो मॉलिकुलर क्लॉक, इसी से हम निकालते हैं कितने म्यूटेशंस हुए हैं एज कंपेयर टू दो स्पीशीज के जीन्स में, कितने डीएनए के सीक्वेंसेस का वेरिएशन है, इससे अंदाजा लगाते हैं कि कितने टाइम पहले वो अलग अलग हुए होंगे। जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको इसके अलावा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, मॉलिकुलर क्लॉक्स, इन सबके डेफिनेशंस और इनकी क्लैरिटी अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कवरी ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड, द प्रेजेंस ऑफ होमोलॉजीज, न्यूक्लिक सिमिलरिटीज हेल्प साइंटिस्ट डिसाइड व्हाट। अगर आपने ये चीजें पता कर ली हैं तो आप ये जानते हो कि अब इस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे कर सकते हो, आप ये भी जानते हो कि प्रॉपर क्लैडोग्राम कैसे बनेगा, आप फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और एवोल्यूशन के बारे में भी जानकारी दे सकते हो, यानी कि सारी बातें ठीक है अगर ये डाटा अवेलेबल है आपके पास तो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ई। देखिए इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में, और इसके अलावा भी जो क्लैडोस्ट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए और ट्रीज वगैरह का भी। हालांकि ये इसका स्कोप नहीं था, मेरा जो पर्पस था वो था कि जो क्विज में आज क्वेश्चन आए मैं उनके आंसर बता सकूं, जो कि कोशिश की मैंने आपको। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे और आगे भी हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ इनिशिएट करेंगे। इसके अलावा नेट दिसंबर 2019 के लिए हम लोग के पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हैं, जहां हम लोग मोर देन 2000 क्वेश्चंस और उनके वीडियो सॉल्यूशंस करने वाले हैं ऑनलाइन। कहीं जाना नहीं है आपको, सब कुछ ऑनलाइन है, अपने घर से कर सकते हो। और ऑनलाइन मॉक एग्जाम भी है जहां आप नेट के एग्जाम के पैटर्न पर अपनी तैयारी कर सकते हो, क्वेश्चंस लगभग वैसे ही टाइप के हैं और आप साथ में एनालाइज करके भी दे सकते हो कि भाई आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है बाकी लोगों के मुकाबले वो आपका आंसर कैसा था। यहाँ हम लोग बेसिकली इसी में चाहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में क्या गलती होती है, क्वेश्चन चूज करने में क्या गलती होती है और हम कितना अच्छा नॉलेज को लिए हुए हैं। यहाँ भी आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस हैं, 13 ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, और इसके अलावा जिन लोगों के पास इस टाइम नॉलेज का भी अभाव है और अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए संजीवनी कोर्स है, संजीवनी बूटी की तरह, जहां एक तरफ तो हम लोग 75 लेक्चर्स के द्वारा कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे नेट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा पूरी मॉक सीरीज भी करेंगे। तो ये मॉक सीरीज एंड लेक्चर का कॉम्बिनेशन है, 50% नॉलेज बढ़ाओ और 50% टाइम इन्वेस्ट करो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। तो आई होप कि
ये संजीवनी वाकई में बूटी की तरह काम कर जाएगा आपके इस सेशन के लिए। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981, और आई फ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए iflynetgear.com। और मत भूलिए, हम आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह हैं आपके सक्सेस को आपसे मिलाने के लिए। चलिए फिर, मजा कीजिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।